नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिजवासन विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर हैं लोकेश गोदारा जी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। लोकेश जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल नमस्ते। है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से आपका जुड़ाव है सर? मैं तो 2012 के 7वें महीने में से जुड़ा हुआ हूँ। अन्ना ओके, आंदोलन में अन्ना भी आंदोलन थे, से। आंदोलन से ही है। और अरविंद जी से मिले, हमने अरविंद जी में कुछ देखा, जी सर। हमने देखा अरविंद जी में कि एक दूसरा सुभाष चंद्र बोस नेता आ गए हमारे बीच अच्छा में, तो नेताजी के रूप में हमने उनको देखा, तो हम साथ साथ चल दिए सभी। जी, हम टैक्सी वाले, हाँ जी, हाँ जी, प्रधान था मैं उस टाइम टैक्सी का, यूनियन का, तो हमें अरविंद जी के विचार अच्छे लगे थे। हमने अरविंद जी के साथ जब भी ऑटो टैक्सी वाले और हम सभी साथ साथ चल दिए थे, जी और अरविंद जी के आज भी हमें अच्छा महसूस होता है कि कलर उठा के हम कह सकते हैं हमने इस सरकार के साथ, अरविंद जी के साथ काम किया है, जी जी जो कि जनता के चार काम अरविंद जी बोल के आए थे, उन्होंने पता नहीं जी कितने काम कर दिए। कितने हाँ, काम कर दिए। हम भी नहीं गिनवा सकते कितने काम कर दिए। अच्छा तो सर, अभी जैसे एक साल बेमिसाल हो चुका है, अभी सेकंड टर्म जो बनी सरकार फुल फ्लैश, आने वाले क्या प्लान है सरकार को लेके सर? सरकार हर मौके पे है, जैसे अभी कोरोना काल में देखो आप, अरविंद जी ने कितना काम किया था। वो तो ताली थाली बजा रहे थे, जितने स्कूलों के लिए भी, बच्चों के लिए कुछ कर रहे थे, खाना भी बांटने में खाना, लगे रहे, जनता को देख लिया था अरविंद जी ने कि समस्या बहुत लंबी है। जी। और अरविंद जी ने वहीं से शुरू प्लान, पहले दिन से प्लान शुरू कर दिया सर आपकी क्या सेवाएं रही इस कोरोना काल, जब ये 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो था। आपकी क्या सेवाएं रही? आप बड़तल गांव के निवासी हैं सर आप? तो हमने जैसे अभी हमने आधार कार्ड लिंक कर रहे थे वो, जी तो हमने कम से कम 1300 आदमियों को यहीं बनाया था। हमने रिक्स लेके कम से कम हमने 25 बच्चों की टीम बनाई हाँ और जी, उनसे लिंक करवाया था उनका आधार कार्ड, और ओके 1300 आदमियों को हमारे स्कूल में राशन भी मिला था। सर। दिल्ली के 5 सीटें आपने देखी उपचुनाव अभी हाल ही में, जो 4 सीटें जीती है आम आदमी पार्टी, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे सर? देखो, ये श्रेय तो अरविंद जी को जाता है, क्योंकि जो कहा था उससे ज़्यादा किया किया है। था लेकिन आज जनता ने, अरविंद जी विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो जी, अरविंद जी ने ये कहा था कि अगर हमने काम किया हाँ है जी, हाँ तो जी, हमारे वोट देना, ओके। नहीं तो हमारे को जिसने काम नहीं किया तो वोट मत देना। MCD में एमसीडी चुनाव है, तो जनता क्या इस बार रुझान है, क्या परिवर्तन चाह रही है इस बार जनता? देखो, जनता तो अब की बार कति बिल्कुल परेशान बैठी एमसीडी वालों से। एमसीडी वालों ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पैसे लूटने का काम किया है, जो कि अपना चाहे कई चढ़ाई चल रही हो कि हर लेंटर पे 2 लाख 4 लाख रुपए लेने का जी, काम कर रहे हैं, और ओके नीचे सर। जमीन पे कोई काम नहीं कर रहे वो। क्या क्या अच्छा आपके क्षेत्र में समस्याएं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके बिजवासन विधानसभा में, यहाँ क्या क्या बेसिक समस्या आपको लग रही है? समस्याएं तो बस खाली एमसीडी की समस्या, और तो कोई भी एमसीडी नहीं ना। क्या बीच समस्या है बताइए आप? एमसीडी नालियां भरी रहती है, नालियाँ और भरी, अपना सफाइयां नहीं होती, सफाई नहीं हो सफाई, रही है बिल्कुल भी। ओके। अभी हम हमारे साथ निकल के देखना इधर, चलो गली में, कम से कम 1 साल से तो वहाँ भी अभी झाड़ू भी नहीं लगी होगी। अच्छा, और यहाँ के विधायक जी का सर कैसा रोल है? विधायक जी अभी तो कोरोना काल में अभी बने थे, हाँ जी, और उसके बाद विधायक जी अपने लगे हुए काम पे, एवरी डे अपने हर वार्ड में जाते कौन हैं। है यहाँ के विधायक सर वर्तमान में? बी मतलब एस किस, जून BS जून जी हैं? हाँ, कैसा काम है उनका अभी, फर्स्ट 1 साल हो चुका इनको अभी तो वो जनता के बीच में तो जा रहे हैं, बारी बारी जा रहे हैं जा वो तो। रहे हाँ, लेकिन जो छोटे मोटे काम हो तो करा रहे हैं, लेकिन अभी बजट नहीं आया है, हैं? जो ओके पुराने बजट चल रहे हैं अपने वो काम चल रहे हैं। सर, आपकी कोई तैयारी है? अभी 1 साल बाकी रह गया MCD चुनाव को लेके, अगर आपको पार्टी उतारती है वार्ड 47 से, तो तो हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कैसा यहाँ का रहेगा माहौल सर? माहौल क्या रहेगा, हम जीत के आएंगे। जीत हम करेंगे क्या? आपको पूरा बिल्कुल जनता समर्थन करेगी? जनता जनता नहीं, सभी समर्थन करेंगे, पड़ोसी और पड़ोसी तो जनता। किस प्रकार का आपका जनसंपर्क है सर जनता के बीच? आपने जनता में क्या काम हमारे, किए हैं? हम दादा परदादा के टाइम से ही, हमारा मेरे दादा लंबरदार थे, अच्छा शेरा अच्छा लंबरदार के नाम से, तो हम तो सेवा तो करते जा रहे हैं हमें सेवा शुरू करते से। आ रहे हैं, हाँ, जैसे किसी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, या किसी को समस्या हो पानी की, बिजली की, या भाई को मंदिर है, दान दक्षिणा है, हम जी सब हमेशा आगे रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड सर। में सबसे ज्यादा दान देते हैं सर अभी नया भी जैसे प्रस्ताव लागू किया, जैसे सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों में, कुछ इस हम। बारे में आप अपनी सरकार को क्या देखो, कहते हैं? दिल्ली में कितना प्रदूषण था। अब की बार आपने देखा होगा कि अरविंद जी ने, गोपाल जी ने रेड लाइट का काम तो था, ये रेड हाँ लाइट जी, ऑन गाड़ी ऑफ, हाँ जी, तो ये काम किया, ये बहुत अच्छा काम था, इससे खूब फर्क पड़ा, डीजल भी बचे हमारा। और आगे आगे नई नई स्कीम तो अरविंद जी लेके आते रहते, सर कोई ये ना कोई। बढ़ते नहीं पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूट रही है सर। नहीं अब तो हमारे देश ने, पहले हमारे देश ईरान इराक से तेल लेता हाँ था, जी, हाँ जी, अब तो हमारा देश इंसानों का ही तेल निकाल के उसी से चला रहे हैं देश को, अच्छा, क्योंकि हर आदमी पिस रहा है इसमें। पिस रहा है महंगाई से, हाँ, तो ये कंट्रोल कैसे होता है महंगाई? ये महंगाई कंट्रोल तो जी एक ही दिन में हो जाएगी,
ऊपर से रेट थोड़ी बढ़े, इनके टैक्स लगे हुए हैं इतने सारे। हाँ 33% किसी का टैक्स है, 16% तो फिर भी हमारा तो बहुत कम है दिल्ली का, तो और राज्य में जाकर देखो कितना ज़्यादा टैक्स है। अच्छा लास्ट में अपनी जनता में और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोकेश जी? मैं जनता से यही कहूँगा, देखो भाई ये जो मोदी भगत गली गली में घूमते रहते हैं, इनसे बचना। कल नहीं इनकी औलादें जब 20 साल की 22 साल की होंगी ना, वो अपने माँ बाप को गाली बकेंगे। किस लिए गाली बकेंगे? मेरे बाप ने वोट दी थी मोदी को जी सर, ये चीज़ ऐसे ऐसे बोलेंगे वो। सर होली आ रही है अभी, दिल त्योहार आ रहे हैं, होली के नाम की सबको मुबारकबाद है भाई। हमारे यहाँ मेला भी लगता है, कुश्तियाँ भी होती हैं, दंगल होता है दादा मोटे पे, और आओ और भाई मेला भी देखना है, होली से 2 दिन पहले होता है। धन्यवाद आपको लोकेश जी। ठीक है जय। तो ये हमारी सीधी बात लोकेश गोदारा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।